आपकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी और सीज़न भी इसका काफ़ी लंबा। सिद्दीकी फ्रॉम अलाइव एंड ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड मोर माई चैनल डायरामिक्स टीवी। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नए नए तजर्बात और कुछ गार्डनिंग टिप्स शेयर करता रहता हूं, तो आपको उम्मीद है किसी ना किसी से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज मेरा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो है कि पेटोनिया की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, जो फूल ज़्यादा आते हैं उनकी क्वान्टिटी कैसे की जाए, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटी सी टिप है, ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो ये देखें, ये मेरा प्लांट है पेटूनिया का, ये वेरिएटेड है और ये क्रॉस पॉलिनेटेड है इनफैक्ट। और ये इस पर जो सिर्फ इसमें आप ये करना है कि जो स्पेंड फ्लावर्स हैं उनको जैसे ही वो स्पेंड होते हैं, जैसे वो मुरझाना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म होती है, आप उनको इस तरह थोड़ा सा पीछे से आप इनको इस तरह रिमूव करते हैं, दैट्स ऑल। जैसे ही आप ये करेंगे, इससे ये फ़ायदा होगा कि प्लांट ये नहीं समझेगा कि मेरी सीड करने की एज आ गई है और मुझे फ्लावर्स को छोड़ के अब सीड बनाना शुरू कर देना चाहिए। उसको पता चलेगा कि मेरे अभी सीड डेवलप नहीं है, उसका रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होगा और वो दोबारा से फूल बनाने पर लग जाएगा। तो सिंपल सी वीडियो है, आप भी इस तरह करके अपनी फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वान्टिटी। अब ये स्पेंट फ्लावर्स हैं, मैं इनको निकाल देता हूँ, मुझे जहाँ भी मिलेगा मैं इसको निकाल दूँगा। सिर्फ ये मैं उस वक्त ऐसा करना रोकूंगा जब मुझे सीड की ज़रूरत होगी, और मैं सीड के लिए इसको मुरझाने दूंगा और उसके बाद मैं सीड बर्ड्स निकलेंगे। उस पर मेरी एक वीडियो बनी है, हाउ टू हार्वेस्ट एंड प्रिजर्व पेटोनिया सीड्स, तो उसमें आप देख सकते हैं ये एक सीड पॉट बन रहा है। इसको मैंने खुद छोड़ा हुआ है ताकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको केस के तौर पर रख सकूँ। एक सीड पॉट से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप ज़्यादा सीड पॉट इस पर मत रहने दें, उसको रिमूव करते रहें। आपकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में आएगी और सीज़न भी इसका काफ़ी लंबा हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं मुदल सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।